दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय शमा बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल, विज वॉश, गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग, एसएम फूड्स, वोल्का फूड्स इंटरनेशनल एंड अल करीम बिल्डर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं इंजीनियर मुमताज अहमद खान, साबिक डायरेक्टर कालाबाग डायरेक्टरेट, एक आबी माहिर की हैसियत से मक्स स्पेशल प्रोग्राम में एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, गुज़िश्ता हफ्ते मैंने पाकिस्तान के आबी बहरान में ग्लोबल वार्मिंग का जो आंसर है उसके हवाले से मैंने बात की थी। आज इसी उन्वान या इसी सब्जेक्ट पर, इसी पहलू से आज दूसरे हिस्से में मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज करूँगा कि ग्लोबल वार्मिंग का जो अमल है, ये जो फिनोमिनन है, ये पाकिस्तान के आबी बुरहान के हवाले से इसकी क्या अहमियत है, पाकिस्तान के आबी जो मसाइल हैं उन पर इसका क्या हिस्सा है, और हमें वो कौन से इकदाम हैं जो हमें ग्लोबल वार्मिंग के इन असरात से बचने के लिए करने चाहिए। नाज़रीन, जैसा कि मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया कि इस ग्लोबल वार्मिंग का जो पाकिस्तान के ऊपर जो असर हुआ है, वो सबसे जो यानी अहम जो असर हुआ है वो ये हुआ है कि हमारे जो मौसमी जो हालात हैं, एक तो ये है कि टेम्परेचर बढ़ा है, गर्मी बढ़ी है, और दूसरे उसका ये असर हुआ है कि हमारे जो मौसमी हालात हैं वो बिल्कुल जो है वो गैर यकीनी की कैफियत का शिकार है। और मैंने जैसे कि पिछले प्रोग्राम में आपको बताया था कि देखें, इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दुनिया भर के जो मौसमी हालात हैं वो भी बिल्कुल तब्दील हो गए हैं, अपसेट हो गए हैं, और पाकिस्तान के ऊपर जो उसका असर हुआ है वो मैंने पिछले प्रोग्राम में जैसे अर्ज किया था, लेकिन आज मैं उसे दोबारा दोहराऊंगा उसको आपकी याद दहानी के लिए कि उसकी जो हमारे सामने अमली जो हमें तजर्बा हुआ है वो गुज़िश्ता 50 साल के जो हमारे आदाद व शुमार हैं उनसे साबित होता है कि 1973 से लेकर 1997 तक के ये जो 25 साल का ये जो अरसा है, इस दौरान बहुत बारिशें हुई और इस दौरान 7 सैलाब पाकिस्तान में आए। 1973 में सैलाब आया, 1976 में सैलाब आया, 1978 में सैलाब आया, 1983 में सैलाब आया, 1988 में सैलाब आया, 1992 में, और फिर 1995-96 में, ये 7-8 सैलाब अभी है। और इस दौरान भी जो है हमारे दरियाओं में जो पानी का जो बहाव है वो ऑन द एवरेज ज़्यादा रहा, लेकिन जो गुज़िश्ता 25 साल हैं 1997 से लेकर अब 2021 में हम पहुंचे हुए हैं, इन 25 सालों में सिर्फ एक सैलाब आया है जो कि सन 2010 में आया था। बाकी जितने भी साल हैं ये तकरीबन खुश्क साली के ये साल रहे हैं, यानी ये इतना हमारी दरियाओं में इतना भी पानी नहीं था कि हम खरीफ की फसल के लिए भी
हमारी जो खरीफ की जो फसल है उसके लिए भी हमें पानी की कमी का सामना था। हालांकि खरीफ की फसल आप जानते हैं कि ये मानसून के मौसम में तकरीबन होती है, यानी मई से शुरू होकर और ये सितंबर तक, सॉरी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अप्रैल से लेकर सितंबर तक जो होती है ये हमारी खरीफ की जो फसल होती है। और ये वो अरसा है जिस दौरान हमारे दरियाओं में मानसून की वजह से और ग्लेशियर पिघलने की वजह से, बर्फ के पिघलने की वजह से और फिर उसके बाद बारिशों की वजह से हमारे दरियाओं में पानी होता है। लेकिन गुज़श्ता 25 साल के दौरान मासिवे सन 2010 के बाकी जितने भी 24 साल हैं इनमें हमें खरीफ की फसल के दौरान भी हमें हमारी नहरों के लिए, हमारी ज़रात के लिए हमें पूरा पानी दस्याब नहीं था। और अभी ये जो हमारी अब जो खरीफ की फसल हम इस काश्त कर रहे हैं या तकरीबन काश्त हो चुकी है, आप ये देखें कि इस वक्त भी हमारे हमें तकरीबन 30% पानी की कमी का सामना है। हालांकि ये अब जो ग्लेशियर है वो पिघल रहे हैं, गर्मी पड़ रही है, ग्लेशियर भी पिघल रहे हैं और स्नो मेल्ट भी हो रहा है। अभी मानसून भी का सीजन भी तकरीबन शुरू होने वाला है, जुलाई का महीना शुरू हो गया है। लेकिन इस वक्त भी सूरत हाल ये है कि हमारे डैम जो हैं, मंगला तरबेला जो बड़े डैम हैं, वो अभी तक भर नहीं पाए और खरीफ की फसल के लिए भी हमें पानी की कमी का सामना है। रबी की फसल को तो आप छोड़ें, रबी की फसल तो वो सीजन होता है कि जब दरिया खुश्क होते हैं, बहुत कम बारिशें होती हैं। तो ये है वो इंतहाई तश्वीशनाक, इंतहाई संगीन सूरत हाल जिसका हमें सामना है और जिसका सबसे बड़ा आमिल जो है वो हमारे मौसमी हालात हैं, गैर यकीनी के मौसमी हालात हैं। ग्लोबल वार्मिंग का भी एक उसमें अंसर जो है बहुत अहम अंसर उसमें शामिल है, जिसकी वजह से हमें पानी की कमी का सामना है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि हमारी पाकिस्तान की जो मईशत है, हमारी मईशत की तो रीढ़ की हड्डी, हमारा जो इन्हसार है, हमारी पूरी मईशत का, हमारी कौमी जिंदगी की, मैं समझता हूँ बका का, वो इन्हसार है ज़रात पर। और ज़रात के लिए दरियाई पानी जो है वो सबसे अहम जो है वो अंसर है। लेकिन अगरचे इसमें और मामिल भी शामिल हैं, भारत की आबी जारहियत भी इसमें एक बहुत बड़ा आमिल है, जिसके मतलब मैंने अपने एक प्रोग्राम में बड़ी तफसील से मैंने आपसे गुफ्तगू कर चुका हूँ। लेकिन बात यह है कि हमें जो इस वक्त पानी हमें दस्तियाब है, जो तकरीबन 140 पिछले गुज़श्ता 40-45 साल की एवरेज अगर हम करें तो 140-45 तकरीबन मिलियन एकड़ फुट पानी ऑन द एवरेज हमारे दरियाओं में आता है और फिर कभी कभी बारिशें भी हो जाती हैं। कुदरत ने, अल्लाह ताला ने हमसे कोई नाइंसाफी नहीं की। कुदरत ने हमें 6 दरिया, बड़े दरिया, सतलुज, रावी, ब्यास, जेलम, चनाब और सिंध, ये अता किए थे, जिनमें से हमने 3 दरिया इंडिया के अपने दुश्मन मुल्क के हवाले कर दिए। बाकी जो 3 दरिया है
उस पर भी अगरचे भारत की आबी जारहियत जारी है, लेकिन बात यह है कि जो पानी हमें दस्याब है, जो पानी उन दरियाओं में आ रहा है, क्या हम उस पानी को उसका तहफ्फुज़ कर रहे हैं? क्या उस पानी के साथ हम इंसाफ कर रहे हैं? इतना कीमती पानी। और मैं बार बार कई प्रोग्रामों में यह बता चुका हूं कि हमारे पानी का जो बुरहान है वो इस कदर संगीन है कि 1947 में जब पाकिस्तान बना था, हमारे पास 5,600 क्यूबिक मीटर फीकस पानी में दस्याब था, जो कि अब कम होकर, और उसमें कई अवामिल है, कम होकर इस वक्त तकरीबन 950 क्यूबिक मीटर फीकस रह गया है, जबकि जो आलमी पैमाना है किसी कौम के आबी तहफ्फुज का वो है 1700 मुकाब मीटर फीकस। हम इस वक्त पानी के कहत का शिकार है, और पानी के कहत का शिकार, अगर हम पानी का कहत का शिकार है तो खुदा न खासा हम अपनी खुराक के कहत का शिकार होने के बिल्कुल दहलीज पर हैं। अभी आपने देखा नहीं, पिछले साल सीजन में हमें गंदम दरिया जो है वो दरामद करनी पड़ी। हमारी कपास की जो फसल है वो खत्म होती जा रही है, वो कपास की फसल जो कि हमारे हमारी हमारी जो मईशत है, हमारी मईशत की जो बुनियाद है, और हमारे फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग का जो सबसे अहम जो सोर्स है वो कपास की फसल थी, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, वो कपास की फसल जो है वो नापैद होती जा रही है। वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि हम जो हमारे पास अवेलेबल जो पानी है हम उसको उसका सही इंतजाम नहीं कर पा रहे, नहीं कर रहे, और ये इंतहाई मुजरमाना गफलत है, मुजरमाना मैं इसे कहूँगा इसे, और ये नरम तरीन जो है ये लफ्ज है जो कि मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, और इसमें हम सब शामिल हैं। हम ग्लोबल वार्मिंग को क्यों रोएं? हम ग्लोबल वार्मिंग का गिला क्यों करें? सवाल ये है कि जो पानी हमें कुदरत ने दिया है, जो अवेलेबल है, क्या हम उस पानी का तहफ्फुज़ कर रहे हैं? 140 मिलियन एकड़ फुट पानी हमें ऑन द एवरेज हासिल होता है हमारे 3 मगरबी दरियाओं से, जिसमें से हम तकरीबन 105 मिलियन एकड़ फुट पानी अपनी नहरों के जरिए हम इस्तेमाल करते हैं, और तकरीबन 35 मिलियन एकड़ फुट पानी जो है वो समुंदर में जाता है हर साल एवरेज। ये मैं एवरेज की बात कर रहा हूं, वरना तो अगर आप गुज़िश्ता 50 साल की आप जो स्टैटिस्टिक्स है आदमशुमार देखें तो ऐसे ऐसे साल भी हैं कि 80 मिलियन एकड़ फुट पानी जो है वो कोटरी से नीचे समुद्र में गया है, जबकि 5 मिलियन एकड़ फुट पानी, और ये मैं नहीं कह रहा बल्कि इंटरनेशनल पैनल ने जो कि हुकूमत पाकिस्तान में 2004-2005 में अक्टूबर 2005 में इंटरनेशनल पैनल ने यह रिपोर्ट दी कि सिंध के एकोसिस्टम को कोटनी से नीचे बरकरार रखने के लिए 5 मिलियन एकड़ फुट पानी की जरूरत है, जबकि ऑन द एवरेज 35 मिलियन एकड़ फुट पानी समुद्र में जा रहे हैं, 30 मिलियन एकड़ फुट पानी हम समुद्र में जाया कर रहे हैं ऑन द एवरेज, जबकि कुदरत ने हमें डैम्स की साइड दी है, और ये कुदरत का बहुत बड़ा अतिया है, बहुत बड़ा इनाम है कि अल्लाह ताला ने हमारे दरियाओं पर डैम्स की हमें साइड दिए हैं, ऐसी जगह है कि जहां हम बड़े डैम बना सकते हैं। हम इस पानी को, ये पानी जो समुद्र में जा रहा है और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कभी सैलाब आ जाते हैं, कभी
खुश्क साली कैद साली हो जाती है पानी की। तो ये जो दो एक्सट्रीम्स हैं कि कभी सैलाब आते हैं और तबाही हो जाती है, और कभी दरिया खुश्क हो जाते हैं और हमारी फसलों के लिए पानी नहीं होता, हमें हमारी गंदम कैद साली का हमें सामना होता है। लेकिन हमने कितना बड़ा हमसे जुर्म बहसियत कौम के भी और हमारी हुकूमतों ने भी कितना बड़ा जुर्म किया है कि उन्होंने गुज़िश्ता 45 तरवेला के बाद आज तक एक भी डैम नहीं बनाया, और अब ये डैम जो है एक भाषा डैम उसको तामीर किया गया। और उसमें भी मुझे ये कहना पड़ेगा कि इसकी तहरीक भी जो है वो हमारी हुकूमतों ने नहीं की, बल्कि एक साबिक चीफ जस्टिस ने इस पर जो है, हालांकि ये उनका काम नहीं था, ये जुडिशरी का काम नहीं था, लेकिन बहरहाल ये उन्होंने एक चीफ जस्टिस ने मियां साकिब निसार ने इस पर तहरीक की, और उसका ये असर है कि आज भाषा डैम और मोहम्मद डैम के ऊपर जो है वो काम हो रहा है। लेकिन चाहिए ये था कि इस वक्त तक हमारे पास जो है कम से कम 5-6 डैम हम बड़े मेगा डैम जो हमारे पास होने चाहिए थे, ताकि हमें जो पानी की किल्लत का जो सामना है, और इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो हमें ये हमारे जो मौसमी हालात में जो तब्दीली हुई है, और जो बारिशों का और पानी की जो फ्लो का जो बिल्कुल एक डिस्टर्ब जो है वो पिछले 50 साल से आप देख रहे हैं कि बिल्कुल गैर यकीनी की सूरत हाल है, तो इसको हम सिर्फ इसी सूरत में इसका मुकाबला कर सकते हैं कि हम इतने हमारे पास डैम्स हों, हमारे पास इतनी डैम्स मौजूद हों कि जब भी ग्लोबल वार्मिंग के ज़ेर असर जब सैलाब आएँ, जब ज़्यादा बारिशें हों और दरियाओं में तुगयानी हो, तो हम उस जो फाजिल पानी है, जो फालतू पानी है, उसको हम ज़खीरा करने रोक लें। और उसे रोक कर ना सिर्फ ये है कि उन सालों में जिन सालों में पानी की कमी है दरियाओं में या खुश्क साली जब होती है, हम ना सिर्फ उस पानी से उस कमी को, अपने पानी की कमी को, अपने ज़रात के लिए जो पानी की ज़रूरत है उसको ना हम सिर्फ पूरा करेंगे, बल्कि उससे कई गुना हजारों मेगावाट की बिजली, और वो बिजली जो कि ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से इंतहाई फ्रेंडली, मैंने बताया था ना कि ग्लोबल वार्मिंग का जो सबसे बड़ी जो वजह है वो ये है कि पूरी दुनिया भर में जो बिजली पैदा हो रही है और इंडस्ट्री में फॉसिल फ्यूल्स जो हैं उनका इस्तेमाल हो रहा है, और फॉसिल फ्यूल्स के जलने से ग्रीन हाउस गैसेस पैदा होती हैं, और ग्रीन हाउस गैसेस से फिर ग्लोबल वार्मिंग होती है। लेकिन जो डैम्स हैं, डैम में जो कि कोई फॉसिल फ्यूल नहीं जलता है, वो बिजली जो है वो एनवायरनमेंट के हवाले से और ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से इंतहाई मुनासिब और इंतहाई सिर्फ मुनासिब ही नहीं, माहौलियात के हवाले से इंतहाई मुनासिब ही नहीं बल्कि सस्ती तरीन भी है, और सस्ती तरीन भी बिजली है। वो उसकी पैदावार होगी, वो जनरेशन होगी। फिर सिर्फ यही नहीं बल्कि जो तुगयानी आती हैं, सैलाब आते हैं और अरबों खरबों का नुकसान होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान होता है, वो भी उससे भी हमें तहफ़ हासिल होगा, उससे भी हम बच जाएंगे। तो मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों और बहनों, आप जब तक कौम अवेयर नहीं होगी, जब तक कौम को ये एहसास नहीं होगा कि ये पानी जो है वो कितना कीमती है, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे पानी का जो बहरान है
वो जो इतना संगीन हो रहा है उसके लिए हमने एक ही इलाज है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक इलाज है कि हम ज्यादा से ज्यादा डैम्स बनाए, ताकि जब भी बारिशें ज्यादा हों, जब भी दरियाओं में तुगयानी है, फाजल पानी है, हम उस पानी को जखीरा कर सकें। उस पानी से मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि हमारी ना सिर्फ हमारी ज़रूरी मीशत के लिए ये ज़रूरी है, बल्कि हमारी जो सनदी मीशत है उसके लिए भी यह ज़रूरी है, और हमारे सैलाबों से बचत के लिए भी, ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी। क्योंकि जब हम अब हमारे पाकिस्तान के अंदर भी आप देखेंगे जो कारखाने हैं, बिजली के कारखाने, वो ज़्यादातर थर्मल जो है वो पावर जरके, यानी हमारी जो है 21-22 हज़ार मेगावाट की जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसका तकरीबन 2/3, 2/3 जो है वो थर्मल पावर हो रही है। थर्मल पावर वो है जिससे ग्रीन हाउस गैसेस पैदा होती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है, और जिसे मौसमी हालात पर जो है बड़े बुरे असरात पड़ते हैं। तो हम पाकिस्तान के अंदर भी और पूरी दुनिया के अंदर भी ये हो रहा है, जबकि ज़रूरत ये है कि हम डैम्स बनाएं और हाइड्रल पावर डैम्स के जरिए वो बिजली जो कि सस्ती तरीन भी है और ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से भी और माहौलियात के हवाले से भी इंतहाई मुनासिब है, वो हम पैदा करें, और फिर सैलाबों की रोकथाम, सैलाबों से भी तहफ़ के लिए इन डैम्स का बनाना ज़रूरी है। तो मेरे भाइयों, बहनों, बुज़ुर्गों, मैं अपने हर टॉक में डैम्स की बात करता हूँ, इसलिए बात करता हूँ कि हमारी बका, हमारी मईशत, हमारी खुराक, हमारी कौम की, हमारे मुल्क की तरक्की, और हमारी तरक्की नहीं बल्कि हमारी खुद मुख्तारी और कौमी बका का इंसार जो है वो डैम्स पर है। और मैं बार बार एक इंजीनियर होने के हवाले से मैं ये बात इसलिए बार बार जोर देकर कहता हूँ कि पाकिस्तान को जितने भी हमें इस वक्त जिन बुरहानों का, जितने मसाइल का भी सामना है, एक इंजीनियर होने की हैसियत से मैं पूरे वसूख के साथ ये कहना चाहता हूँ कि इन तमाम मसाइल में, इन तमाम बुरहानों में जो पानी का जो मसला है वो सबसे संगीन है। और अगर हम, हमारे हुक्मरान सोए रहे, हम सोए रहे, तो हुक्मरान भी सोए रहेंगे। वो इदारे जिनके जिम्मे ये है कि वो पाकिस्तान के इस पानी के बहरान का हल निकाले, और इसका हल सिर्फ एक है, सिर्फ और सिर्फ एक हल है कि हम ज्यादा से ज्यादा डैम बनाएं और पानी के एक एक कतरे को, पानी के एक एक लीटर को महफूज करें। यह बहुत बड़ा जुर्म हम कर रहे हैं कि 30 मिलियन एकड़ फुट पानी जो है वो हम हर साल ऑन द एवरेज हम समुंदर में फेंक रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि हमारे पास तकरीबन, यानी अब तक मैंने पिछले साल का शुमार है, यानी एक साल ऐसा था कि 90 मिलियन एकड़ फुट पानी हमने समुंदर में हमने डाला, जाय किया। हमारे पास यानी हमारे दरियाओं में 90 मिलियन एकड़ फुट इजाफी पानी भी आ सकता है। तो हमें तो इतने डैम बनाने चाहिए, इतने डैम कि हम अगर कभी ये इजाफी 80-90 मिलियन एकड़ फुट पानी आए तो वो हम उस सारे को जखीरा कर सकें। लेकिन हमारे पास इस वक्त कितनी कैपेसिटी है? सिर्फ 14 मिलियन एकड़ फुट पानी, 14 मिलियन एकड़ फुट पानी तरबेला, मंगला और चश्मा जो हमारे ये रिजर्वायर्स हैं, इनमें टोटल मिलाकर 13 या 14 मिलियन एकड़ फुट पानी जखीरा करने की गुंजाइश है। जबकि हमें कम से कम 4-5 डैम और हमें यानी हमें चाहिए अगले 20 साल के अंदर, अगर हम आबी तहफ़
अगर हम काफी आबी तहफ़ हासिल करना चाहते हैं, और मैं एक इंजीनियर होने की हैसियत से ये कहूँगा कि और अल्लाह ताला ने हमें डैम साइट्स दिए हैं, हमें 15-20 डैम बनाने चाहिए, इतने डैम कि हम 100 मिलियन एकड़ फुट पानी जो है, अगर कभी इतनी तुगयानी आए, इतना सैलाब, इतनी बारिशें हों, और हो सकती हैं होती रही हैं, और अभी कोई नहीं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से फिर एक ऐसा साइकिल आए और आने वाला है गालबन कि जब बहुत ज़्यादा बारिशें होंगी और ग्लेशियर पिघल रहे हैं, आप देखें ग्लेशियर पिघल रहे हैं और वो पानी आ रहा है, लेकिन हमारे पास नहीं है, हमारे पास वो रिजर्वायर, हमने वो कटोरे, हमने वो मटके, जो डैम बड़े मटके होते वो हमने नहीं बनाए, और वो ये होता है कि वो पानी जो है वो कभी सैलाबों की सूरत में तबाही करके चला जाता है और कभी दरिया में होता ही नहीं पानी। तो भाई और बहनों, जब तक कौम, हम लोग इसका एहसास नहीं करेंगे और खुद नहीं आवाज उठाएंगे, गालबन हमारे हुक्मरान जो हैं वो सोए रहेंगे और इस चीज़ का इतराक नहीं करेंगे। लेकिन बहरहाल, मैं एक इंजीनियर होने की हैसियत से अपनी स्टॉक के ज़रिए, खुदा करे मेरी ये बात, मेरी ये अर्ज़दाश, मेरी गुजारिश हमारे हुक्मरानों के कानों तक भी पहुँचे और वो पाकिस्तान के इस इंतहाई सबसे अहम मसले के पर अहमियत दें। अल्लाह ताला हमें सबको मामलात को सोचने समझने और अपनी पूरी सलाहियतों के मुताबिक उन्हें हल करने की अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। मक्स स्पेशल प्रोग्राम से इंजीनियर मुमताज़ अहमद खान आपको अल्लाह हाफिज़ कहते हैं। अल्लाह हाफिज़। This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volka Foods International, and Al Kareem Builders.